हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं और पूजा हो चुकी है, तो आज नवरात्रि का सेकंड डे है और पूजा वस्त कर ली है और जा रही हूँ मैं मंदिर, तो मंदिर के लिए सब तैयारी कर ली है और अपना फूल प्रसाद सब कुछ हाथ में ले लिया है और ये चले गए मंदिर। जब तक ये मंदिर की धुलाई वगैरह करेंगे तब तक मैं भी पहुँच जाऊँगी। और ये ब्लॉग शुरू करना चाह रही थी मॉर्निंग से, कल के वीडियो की अभी तक एडिटिंग नहीं हो पाई है। आज देखती हूँ, शेयर करूँगी आपके साथ। और आज मैं सोचा चलो सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो पूजा बहुत तसल्ली से की, पूजा के समय वीडियो ले पाना पॉसिबल नहीं होता, या तो पूजा कर लो या फिर वीडियो बना लो या फिर वीडियो के लिए पूजा कर लो। तो मुझे करनी थी पूजा, तो पूजा की, उसके बाद वीडियो बनाया। तो पूजा तो आप सबको पता है ऑलरेडी, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही मैं भी करती हूँ घर में, और जैसे श्रद्धा हो वैसे कर लेनी चाहिए, जितना आपको आता हो उतना कर लेनी चाहिए। माता रानी सबको अपना आशीर्वाद देती हैं। तो हवन हो गया, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। मम्मी गई अभी नहाने के लिए, मम्मी ने नहीं की पूजा, बच्चे नहा लिए, बच्चे मंदिर हो आए, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, सबसे पीछे मैं रह गई हूँ। तो चलते हैं मंदिर। और आज इस फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज करना है, साफ़ सफाई करनी है इसकी थोड़ी सी। कल डेमो देने के लिए कोई आने वाला था, वो आया नहीं, लेकिन कल ये हमने यूज़ किया भी नहीं था, आज इसको यूज़ करेंगे। और कैसा लगा आपको मेरा फ्रिज, ये तो हो सकता है आप मुझे फर्स्ट वीडियो में कमेंट कर दें, कल वाले में, आज मैं फिर से पूछ ले रही हूँ, फिर कमेंट कर देना। और कौन कौन के किसी के पास इस तरीके का फ्रिज है, शायद ये वाला मॉडल, ये वर्लपूल का है, पास से मैं दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं जल्दी से मंदिर। तो चलिए भाई, अब वक्त है काम करने का। तो घर आके सबसे पहले तो अब यहाँ पर रेडी कर रही हूँ बच्चों का और मम्मी का नाश्ता। और अभी अपने लिए कुछ बनाया नहीं है, मॉर्निंग में चाय मेरे घर में बनती नहीं है, सब लोग नहा के पूजा करके तभी चाय पीते हैं। बच्चों को बस दूध दे दिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये शिमला मिर्च, टमाटर, सभी चीज़ें निकाल के रख ली हैं। साथ ही यहाँ पर ये मेरा पास्ता है, ये लगभग लगभग रेडी हो चुका है, आपको दिखाती हूँ। थोड़ी अच्छी क्वालिटी का अगर हम मार्केट से लेते हैं तो ये कभी भी ऐसे घुलता नहीं है पानी में। और इसके बाद यहाँ पर ये मुझे आज फ्रिज भी स्टार्ट करना है, तो इसका जो आइस ट्रे है इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ, चेक कर रही हूँ फ्रिज कूलिंग कर रहा है कि नहीं। तो सुबह उठने के बाद मैंने इसको ऑन कर दिया था। एक्चुअली इसके अभी मुझे फंक्शन भी नहीं पता है, फंक्शन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मैं फिर भी चाहती थी कि एक बार वो बता दें कि उसमें क्या करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको वॉश कर लेंगे, ट्रे को मैंने पहले ही वॉश कर लिया है, और इसमें डाल देंगे बस थोड़ा सा पानी और इसको लगा देंगे फ्रिज में। और इसके बाद अभी यहाँ पर जैसे कि इसका मूड दिख रहा है ना, ये हाई पे चल, ऑटोमेटिक पे चल रहा है, तो इसमें काफ़ी मूड है। और नॉर्मल पे भी कर सकते हैं, जैसे कि और भी फ्रिज में रहता है, तो इसमें नीचे थोड़ा सा सिस्टम ठीक है इस फ्रिज का, और काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया। और मैं सोचा चलो आज आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो ये स्पेस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो जाएगा, सामने फ्रूट बास्केट भी है, सब्जी की बास्केट भी है, साथ ही साथ स्पेस अब बहुत अच्छा खासा है, और इसमें काफ़ी कुछ हम फ्रिज के अंदर आसानी से अब रख पाएंगे। और उस वाले फ्रिज में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी थी, इस वजह से मुझे ये न्यू फ्रिज परचेज करना पड़ा। और ये मैंने इस बार वर्लपूल का लिया है, तो पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो एलजी का था, लेकिन अब ये वर्लपूल का आया है। और इसके साथ ही अभी नाश्ता बना ही रही थी कि पूनम भी आ गई है काम करने के लिए, तो मैं बोल रही थी कि पहले किचन फ्री कर दो। ये रहता है कि जब तक या तो मैं ना किचन से बाहर हो जाऊँ नाश्ता वगैरह बना के, फिर ये किचन क्लीन करे, या फिर जब तक मेरा काम पड़ा होता है ना, फिर ये बीच में बार बार अगर किचन में आए तो डिस्टर्ब कर दिए। तो मैंने बोला तो पहले किचन क्लीन करके छोड़ दो, फिर मैं कर लूँगी। क्लीन के लिए अभी कुछ ऐसा है नहीं, बस बच्चों के कप वगैरह थे, साथ ही एक दो बर्तन थे, बस उनको मैंने सिंक में डाल दिया था, तो बस वही वो लेकर गई है। और बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बात करती है, काम भी अच्छा करती है, शो में आई तो पता नहीं कर पाती है, लेकिन हाँ वो होता है ना, एक कोई भी नया मेंबर जब घर में आए तो उसको नहीं इतना समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो रहने लगता है तो उसको सब समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना है। और उससे कुछ भी बोलो हमेशा हंसती ही रहती है। और मुझसे पूछ रही थी भी आंगन में कि भाभी ये डिब्बा कैसा रखा है, हमें तो फ्रिज जैसा लग रहा है। तो मैंने बोला पढ़ लो, तो पढ़ नहीं पाती है, तो इतना बड़ा फ्रिज घर में रखा है तुमने देखा ही नहीं। तो मैंने बोला चलो आओ तुम देखो आगे, मेरा नया फ्रिज आ गया है। तो उसने देखा और बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छे से बात भी की।
बहुत खुश थी। अच्छा रहा आपने इतना बड़ा फ्रिज ले लिया, बहुत अच्छा लगा। और बस यही होता है कि आप किसी से भी थोड़ा प्यार से बात करें तो सामने वाला भी खुश और आप भी खुश। तो इसकी बातें बहुत अच्छी है, ऐसे बातें करते रहो, काम करती रहती है। मैं भी काम कर रही होती हूँ तो ये भी थोड़ा सा खुशी रहती है कि हाँ। इसके साथ ही यहाँ पर वही हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है और इसको बस गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसको रख देंगे नीचे उतार के। और अब मैं यहाँ पर कढ़ाई गर्म करने वाली हूँ जल्दी से। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च, टमाटर कद्दूकस करके। अगर बड़ा बड़ा कट करके डाल दो तो बच्चे निकाल देते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस करके डालती हूँ तो फिर ये लोग निकालते नहीं है और सब चुप करके खा जाते हैं। एक बार भी नहीं कहते हैं कि आपने कौन सी वेजिटेबल इसमें डाल दी है। तो मम्मियों को बच्चों के साथ कभी कभी थोड़ी थोड़ी चालाकियाँ कर लेनी चाहिए जिससे कि ये सब उनके पेट में जाए। और अभी नवरात्रे हैं तो मेरे यहाँ पर प्याज लहसुन का यूज़ नहीं हो रहा है, तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। और इसके साथ ही ये पास्ता बॉयल है तो मैं इसे एक बार फिर से ठंडे पानी में डालूंगी और वापस से हम इसे इस तरीके से छलनी में निकाल लेंगे तो ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इसके बाद मैंने इसे कढ़ाई में डाला, एक बार चला के मिक्स कर दिया है। साथ ही डाल रही हूँ व्हाइट विनेगर और सोया सॉस और नमक डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं आप इसमें, बट मैं ऑरिगैनो नहीं डालती हूँ। तो ऑरिगैनो जो है आफ्टर नवरात्रि ही हम यूज़ करेंगे। और आप इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद अभी बस क्लीनिंग करेंगे थोड़ी सी और यहाँ पे लगाएंगे बच्चों का नाश्ता। और देखिए बिना प्याज लहसुन के बहुत यम्मी बनता है। ज़्यादा कुछ मसाले मैंने ऐड नहीं किए हैं, बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये जितना अच्छा दिख रहा है खाने में भी बहुत अच्छा है। बच्चे और मम्मी सब लोग बहुत खुश होकर खा लेते हैं। तो ये मैंने 3 प्लेट ही बनाया है और बस इसे सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डालूंगी। और कैमरा अपनी जगह से हिल गया था, कब मेरा हाथ लग गया मुझे पता ही नहीं चला। और बहुत यम्मी दिख रहा है ना, किस किस को अच्छा लग रहा है प्लीज बताना। और इस तरीके से कौन बनाता है वो भी आप मुझे बताना। और उसके बाद यहाँ पर मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी। क्लीनिंग के लिए गंदगी कुछ हुई नहीं है, लेकिन फास्ट है और नाश्ता बनाया है तो फिर थोड़ा सा क्लीनिंग जरूरी है। इधर खांसी मुझे बहुत परेशान कर रही है और यहाँ पर आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। घर के बाहर बच्चे आ रहे हैं राम बरात देख कर, तो वो अपना सब कुछ लेकर आए हैं और खिलौने तेज वाली आवाजें निकाल रहे हैं। और अभी रात के 12:15 बज रहे हैं जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। आज मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कि मैं तो वीडियो चलिए एडिट करके फ्रेंड, आपके साथ 10 बज शेयर कर गए पाऊँ। हैं और ब्रंच का मेरा नाश्ता तैयार है और ये मैंने बना के रख लिया है। चाय बन गई है, साथ ही मैंने बना दिए हैं केले के चिप्स, जिसका कि एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 60 सेकंड में आप सीख सकते हैं कि कैसे आप केले के चिप्स बनाएं, स्टोर करें और इस तरीके से बना के रख लो, जब चाय पियो ना तो खा सकते हैं। साथ ही मूंगफली मखाना का दाना भी तल के इसी तरीके से नमक डाल के रख सकते हैं और रख लेना चाहिए। व्रत में जैसा हम लोग भूखे तो रहते हैं, हर समय कोई कुछ खाता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भूख लगती है तो कुछ बना हुआ नहीं होता है। तो चाय के साथ आप अगर हल्का फुल्का खाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आसानी से खा सकते हैं। तो इसको बना लिया है, अभी चाय पियेंगे। और अभी मूंगफली मखाने का दाना तल के लिए रखा है, मैंने इनके लिए रख दिया है। थोड़ा सा उसमें से मैं भी खाऊंगी और देखती हूँ, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ा एक डिब्बी में करके ही रख दूँ। और आज तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने कुर्ती पहन ली। वैसे तो मैं व्रत में नवदुर्गा में हमेशा साड़ी पहनती हूँ, बट कल मैंने साड़ी पहनी तो आधे दिन के बाद फिर मुझे बहुत दिक्कत होने लगी, फिर मैंने सूट चेंज कर लिया, नहाना भी पड़ गया था। और आज मैंने सुबह से ही कुर्ती पहन ली हूँ। मेरे बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं, बता नहीं सकते। आज इनका अभी स्कूल नहीं है, स्कूल में पीटीएम है, तो लेट जाना होगा पीटीएम में, तो देखते हैं कि क्या रहता है पीटीएम का। और आज इनका हाफ ईयरली का रिजल्ट बताया जाएगा, तो चलिए। हे गाइस, तो टाइम हो गया है 12:15 और नाश्ता वगैरह सब हो गया, उसके बाद बच्चे गए हैं अभी स्कूल, स्कूल में पीटीएम है जैसे कि मैंने आपको बताया। और बस थोड़ा सा बेड वगैरह क्लीन कर दिया है, बाहर के रूम को भी क्लीन कर दिया है। और इधर बच्चे जब होते हैं ना तो इतना घर फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, दूध वगैरह रखा हुआ है अभी गर्म करना है। इस बीच मैंने कर ली है शॉपिंग, तो नवरात्रि के सेकंड डे मैंने शॉपिंग की
और ये सब शॉपिंग मैंने घर के बाहर से ही की है, जो कि बहुत सुंदर सामान था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेना तो और भी कुछ था, लेकिन जितनी मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैंने काम के अकॉर्डिंग ले ली है। तो आपको दिखा देते हैं, सबसे फर्स्ट इस तरीके की मैंने ये बर्नी ली है और ये किचन में बहुत काम आने वाली है। इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है, चीनी की मिट्टी की बनी हुई है और इसके दो कलर हैं, एक ऑरेंज है और एक येलो है। तो दोनों को साथ में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। कैमरे को फ्रंट करके दिखा दो। तो ये वाली मैंने दो बर्नी ली हैं, तो इसको अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसका किस में यूज़ करनी है ये मैं आपको आगे दिखाऊँगी बाद में। और ये दो छोटी बर्नी ले ली हैं, तो एक ये है, सेम मैंने कलर की ली है। इसमें एक डार्क ब्लैक कलर और था जो कि उसकी क्वालिटी थोड़ी इससे और बेटर थी, और ब्लैक में गोल्डन लाइनिंग वगैरह पड़ी हुई थी यहाँ से, तो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन घर के अंदर जब मैंने ला के देखा तो जैसे मेरे घर में थोड़ा सा अंधेरा ही है बाहर के अकॉर्डिंग, तो बाहर रोशनी में धूप में बहुत चमक रही थी लेकिन अंदर उतनी अच्छी नहीं थी, ये ज़्यादा सुंदर लग रही थी घर आने के बाद। तो थोड़े से ब्राइटन कलर ही अच्छे लगते हैं घर के अंदर और लाइट भी होने चाहिए। और इसके बाद मैंने ये दो लिए, अगरबत्ती धूप बत्ती स्टैंड बोल लीजिए। इसमें और भी सिंपल तरीके के भी थे लेकिन मुझे ये फ्लावर वाले ज़्यादा अच्छे लगे। इसमें हम अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, धूप बत्ती भी लगा सकते हैं, और जो जला हुआ पार्ट होता है वो सब इसी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और इसमें चाहे थोड़ा सा पानी भर के रख दीजिए, और कहीं भी पूजा घर में ऐसे रखेंगे ना तो जो कपड़ा वगैरह होता है वो भी हमारा नहीं जलता है। तो मैंने ये दो लिए, एक घर पर रख लूँगी, एक मंदिर में रख दूँगी। और सबसे लास्ट है हमारी सबसे खूबसूरत बर्नी, तो ये भी चीनी की मिट्टी की है। सभी चीज़ें जो है चीनी की मिट्टी की बने हुए हैं, इसका स्पेस बहुत अच्छा है। तो इसमें हम नमक वगैरह भी रख सकते हैं, इसका प्रिंट तो बहुत सुंदर है ये ब्लैक कलर की। इसमें एक ही पीस था, अगर दो होते तो मैं दो ले लेती। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। और इसके बाद मैंने एक ये छोटा सा चीनी की मिट्टी का किचन सेट है, जैसा कि काव्या के पास ऑलरेडी है तो मैंने एक और ये ले लिया है, ग्रीन कलर में है। इसमें और भी कलर थे, ऑरेंज था, तो इसको अभी ओपन नहीं करूँगी, इसको रख दूँगी। तो ये थी आज की छोटी सी शॉपिंग। तो भाई ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप लोगों को कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें नमक वगैरह स्टोर कर सकते हैं और किचन में रख सकते हैं, इसमें आप अचार भी रख सकते हो, इसमें भी अचार रख सकते हो, और जो वैसे थोड़ी चीज़ें होती हैं ना इसमें रख लो तो बहुत अच्छी लगती हैं। उसके पास इस तरीके की ये तीन ही बर्नी थी, इसमें एक सिंपल वाली और थी तो वो मुझे लेनी नहीं थी, मुझे इसी तरीके की लेनी थी। तो मैंने ये आज शॉपिंग की और इसके बाद अभी सब्जी वगैरह खरीदी है। तो मेरे घर के बाहर ही सारी चीज़ें आती रहती हैं, जैसे ज़रूरत हो मार्केट से भी लेते हैं लेकिन घर के बाहर सब्जी आती है वो ले लिया। साथ ही ये चीनी की मिट्टी का सामान मिल रहा था तो मैंने ये ले लिया। और बस कुछ ज़रूरत की चीज़ें घर के बाहर, चूड़ी वगैरह भी आ जाती है वो भी ले लेते हैं, कभी पूजा के लिए चाहिए कुछ भी, या कुछ ऐसे बैंगल्स वगैरह मिल जाते हैं जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है और सबका नाश्ता हो गया, मम्मी को सब बच्चों को सबको मैक्रोनी बना के खिला दी थी, तो अभी देखते हैं लंच में क्या बनेगा। और तबीयत मेरी बहुत ढीली है, मैंने अगर तबीयत ही ठीक होती ना तो आप समझ लीजिए अभी तक तो मैं कल वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी होती, क्योंकि नाश्ता जब करा देती हूँ सबको फिर मैं अपना एडिटिंग वगैरह पर बैठ जाती हूँ। लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत धीरे धीरे हर काम कर पाती हूँ, थोड़ी सी दिक्कत है इस समय और देखते हैं अभी कब तक ठीक हो पाती है। अभी आज की दवाई और है मेरी खाने के लिए, 3 दिन के लिए बोला है कि 3 दिन के लिए दवाई खानी है, और इसके बाद फिर जैसा भी रहेगा तो आगे भी दवाई ले लूँगी। फीवर अभी नहीं आ रहा है लेकिन जो वायरल ये चल रहा है ना इसमें अंदर से ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं, सेम कंडीशन और भी लोगों की है। और नवरात्रि सेकेंड डे के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी और शाम को जाऊँगी मंदिर मंदिर भी गई थी, अपने मंदिर गई थी, पास में मंदिर है वहाँ पे भी मैंने दर्शन किए, बट फ़ोन नहीं लेके गई थी, फ़ोन भी पास में होता तो मैं वीडियो शूट करके आपके साथ यहाँ पे एडिट कर रही थी। हम डेली बेस पे पूजा करते हैं वही मैंने की है, और अभी मखाना चाय खा के बस चाय वगैरह पी ली थी, और इसके बाद अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।
तो मैं दोपहर में बनाया, मैंने पकौड़ियाँ दही और चटनी के साथ, बट दही मैं नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ चटनी और चाय से खा लेती हूँ। तो ये था मेरे हस्बैंड के लिए, और बच्चों का मम्मी का मैंने लंच बना दिया था। इसके बाद अभी है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए मंदिर। तो यहाँ पर ही आपको रथ सजे हुए दिख रहे हैं ना, तो मैं आई थी यहाँ पर ये वाले मंदिर में, ये हमारे यहाँ मठिया देवी मंदिर बोलते हैं, वहाँ पर मैंने दर्शन किए और आज निकलेगी रामरा, तो उसी की धूम है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।